सूर्यमुदयति अस्तम्य तच्च गच्छति तदयो यहम मन्ये ज्येष्ठे ब्रह्मणे नमः। धर्म प्रेमी सज्जनों तथा विश्ववासियों, आप लोगों को यह मालूम है कि डॉक्टर जाकिर नायक, जो महाराष्ट्र मुंबई का रहने वाला है और भारत में सरेआम हिंदू लड़का लड़कियों को वह मुसलमान बना रहा था, और अभी भी उसका ये काम जारी है और आतंकवादियों का समर्थक है, ये आप सब जान रहे हैं। अब वो धार्मिक आलोचना करते करते वेद पर भी आक्षेप किया है और करता आया है बहुत पहले से ही, और वेद पर जो आक्षेप उनका है वो अनर्गल है। जो वेद का वह जानते ही नहीं है वो वेद पर आक्षेप क्या करेगा। और विशेष करके मैं इस्लाम वालों को कहूँगा, और मैं ये लिख करके भी दिया हूँ कि इस्लाम वालों से कुरान पर ही चर्चा होगी, कुरान को पहले संभाले, वेद से इनका कोई वास्ता नहीं है, वेद को वो जानते नहीं है। खैर, तो वेद में दोष लगाना के वेद अपौरुषीय है, वेद स्वतः प्रमाण है, प्रतः प्रमाण है, इसके बावजूद भी कोई वेद पर आक्षेप करे तो वो अनर्गल है, अनभिज्ञता है उनकी, वो जानते नहीं है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि अभी पिछले दिन, लगभग 8-10 दिन हो रहा है कि जाकिर नाइक का एक वीडियो आया है नया मार्केट में, जो वेद मंत्रों का हवाला दिया है उन्होंने, और उन्होंने कहा कि वेद में अल्लाह शब्द आया है। इसको जवाब देने के लिए मैंने आप लोगों को ये बता भी दिया कि हमारे एक मित्र भाई राजकुमार चौहान जी ने, उनको वो जहाँ से बोल रहे हैं वही सारा प्रमाण उठा करके उनको दिया मैसेंजर के माध्यम से, लेकिन उन्होंने उसको लेना तो दूर की बात, उसे डिलीट कर दिया उस मैसेज को। मैं आप लोगों को बताया था वो बोल क्या रहा है, उस पर मैं आप लोगों को वीडियो बना करके दूंगा, तो मैं उसी वीडियो को आप लोगों के सामने बनाने के लिए, प्रस्तुत करने के लिए तैयार हूँ। आप लोग धीरे धीरे सुनते जाइए कि वो बोल क्या रहा है, वो क्या उनका उद्देश्य है। हालांकि बोला नहीं है, वो उन्होंने दिखाया है, तो आइए वो क्या दिखा रहे हैं और उसका भाव क्या है। वो जो दिखा रहे हैं वही वेद मंत्र से ही मैं उनको हवाला दूंगा, पहले उन्होंने जिस वेद मंत्र को दिखाया है उसे देख लीजिए आप लोग। देखिए, उन्होंने ऋग्वेद बुक नंबर 2:1, verse number 11, ऋग्वेद बुक नंबर 3:30, verse number 10, और ऋग्वेद बुक नंबर 9:67, verse number 30, ये तीन मंत्र उन्होंने लिया है, तीन मंत्र उन्होंने यहाँ दिया है कि इसमें अल्लाह शब्द आया है। इसलिए मैं पहले इसको दिखाया, और यहाँ क्या लिखा है, वो अल्लाह मेंटेनेड बाय नेम इन स्पिरिचुअल्स ऑफ स्क्रिप्चर्स ऑफ हिंदुइज्म, और जबकि इसका मैं वो हिंदुइज्म, इस्लाम एंड हिंदुइज्म पर इसका वक्तव्य था, 2004 में मैं उसको घेरा था, 2003 में, 2004 में उसने निमंत्रण दिया है, वो बहुत बार आप लोगों को दिखा चुका हूँ। तो यहाँ ये बतला रहा है कि अल्लाह शब्द जो है, अल्लाह नाम जो है, ये वेद में हुआ है,
ये वेद में ये शब्द का उल्लेख हुआ है, द वर्ड अल्लाह विच रेफर्स ऑफ ऑलमाइटी गॉड इन अरबिक इज ऑल्सो मै है हाँ ऑल्सो मैंशनड इन ये दिखाया। अब ये बार नीचे क्या है तो आइए मैं पहले ही उसी ऋग्वेद के 2:1:11 का ही मैं प्रमाण दे रहा हूँ उसमें क्या लिखा है। त्वम अग्ने अदित्रदेव दाशुसे त्वम होत्रा भारती वर्धसे गिरा त्वम ईड़ा शत शतहिमा असि दक्षसे त्वं वृत्रहा वसुपते सरस्वती। इसमें ऋषि दयानंद ने जो अर्थ किया है वो देखिए क्या आप बताते हैं ऋषि। हे देव आकाशमान अग्नि विदया देव देने वाले विद्वान तम आप दासिशु दानशील शिष्य के लिए अदिति अंतरिक्ष प्रकाश के समान विद्या गुणों का प्रकाश करने वाले हैं। तम आप होत्रा ग्रहण करने योग भारती विद्या धारण करने वाली बालिका के समान होते हुए, यहाँ भारती के मतलब ऋषि ने क्या दिया लिखिएगा, भारती के माने भारत नहीं, भारत के रहने वाले नहीं, भारती शब्द का अर्थ ऋषि ने लिखा है कि विद्या धारण करने वाली बालिका के समान होते हुए गिरा सुंदर शिक्षा और विद्यायुक्त वाणी से वर्ध से बृहदी को प्राप्त होते हुए तम आप दक्ष से विद्या बल के देने के लिए शतहिमा 100 वर्ष जिसकी आयु वह इना स्तुति के योग अध्यापिका के समान असी है। हे वसुपते धन के पालने हारे तम आप वित्रहा मेघहंता सूर्य के समान तथा सरस्वती प्रज्ञान विज्ञान युक्त वाणी के समान है। ये 11 का हुआ। अब 3:30:10 में क्या लिया है, अलातृणो वल इंद्र ब्रजो गोह पुरा इंतुर्भयमानो प्यार सुगंध सुगणपथो अक्रिन्नी रजो गहा प्रावण्या वाणी पुरोहिता धमयंती। हे इंद्र श्रेष्ठ ऐश्वर्य के दाता आला त्रिणा, यहाँ आला शब्द आया उसने अल्लाह ले लिया, अल्लाह अपने तरफ से बना लिया है, आला को अल्लाह बना लिया है अपने तरफ से इसने, यानी आला सिंगल आ है बड़ा आ या आ और ला, तो इसने बड़ा आ लगा दिया और डबल ला लगा दिया, अल्लाह लिख दिया है, जबकि यहाँ अल्लाह शब्द नहीं है, यह आला त्रिणह शब्द आया है। संपूर्ण संसार के प्रलयकर्ता बलहा बलयुक्त ब्रजह चलने वाले भयमान भय को प्राप्त होते हुए आप सुगान सुख से जिनके मनुष्य आदि चेले ऐसे
पथ मार्गों को वी आर विशेष करके प्राप्त होइए, जो पूरा प्रथम गोहो पृथ्वी का हंतो नाश करने की अक्रिंतो अक्रिनोत क्रिया करे वा जो पुरुष जो पुरुहूतम बहुतों से प्रशंसा युक्त धमंती शब्द कर शब करती हुए वाणी उत्तम प्रकार शिक्षा युक्त गाहा चलने वाली वाणी प्र आवान अतिशय रक्षा करते हैं उसकी जो उनको निरजे प्रयत्न चलने के लिए विशेष करके प्राप्त होइए। ये यहाँ किस तरीके से इन्होंने अपने मनमानी ढंग से अल्लाह शब्द को लिया है। अब 967 का 30 देखिए, यहाँ जो शब्द आया है आलायस्सा, यहाँ आलायस्या शब्द आया है, यहाँ पर भी अल्लाह समझ लिया उसने। अब इन जाहिलों को क्या दाद दिया जाए, यहाँ अला त्रिनो वल इंद्र ब्रजोगो पुरा हंतुर्या हंतुर्वया मानो प्यारा, किस तरीके से इन्होंने अनर्थ किया है देखिएगा। यहाँ 967:30 में आया है आलायस्य, इसको भी इसको अल्लाह लिख दिया इन्होंने, अल्लाह मान लिया इन्होंने, अल्लाह समझ लिया इन्होंने। परशुर्नाराशा तमा पवतस्य पवस्य देव सोमा आखु चितेव देव सोमा, यहाँ ऋषि ने अर्थ किया है सोम हे परमात्मन देव दिव्य गुण संपन्न आलयस्य, यहाँ सर्वत्र प्राप्त शत्रु का जो परशु अस्त्र है तम उस आखित आखित्रिचत सर्वघातक अस्त्र हो अस्त्र को न नाशा नाश करिए। देव हे परमात्मन आप वश्य आप मुझको पवित्र करें। अब किस तरीके से ये अर्थ का अनर्थ किया है देखिएगा जरा। तो मैंने आप लोगों से निवेदन किया कि इन्होंने आला शब्द को अल्लाह मान लिया, अर्थ का अनर्थ करते हुए हिंदू समाज को ये भड़का रहे हैं कि देखो हम जो अल्लाह कहते हैं वो अल्लाह शब्द भी वेद में आया है और इसने तो पहले ही बताया कि वेद में मोहम्मद का नाम आया है, जबकि वेद में मोहम्मद का नाम आया ये गलती इनकी नहीं है, ये हिंदू मूर्ख ने लिख करके दिया है। जो वेद प्रकाश उपाध्याय नाम का व्यक्ति जो पंजाब यूनिवर्सिटी का रीडर रहा है उसने लिखा है पुस्तक और उसी का ही नकल ये सब लोग कर रहे हैं, जबकि वो झूठ है, वो असत है। इस प्रकार इन्होंने ये अपनी चालाकी करते हुए यहाँ दर्शाया है, यहाँ बतलाया है जो सरासर गलत है, सरासर झूठ है, सरासर असत है। इसलिए मैं दो टुक में इन डॉक्टर जाकिर नाइक को, जैसे यह आला त्रिनो शब्द आया है और ये अल्लाह बता रहा है, मैं इस जाकिर को जोकर बोलूंगा तो क्या वो जवाब देगा? जाकिर और जोकर में अंतर होगा या नहीं होगा? तो अल्लाह और अला त्रिनो
ये दोनों एक क्यों और कैसा हो सकता है? पर ये अकल के दुश्मन है, कभी इसने संस्कृत का सार नहीं जाना, संस्कृत को पढ़ करके नहीं देखा, ये खामा खा बकवासबाजी किया है। अब इससे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो लोग, जो व्यक्ति चीटिंग बाजी के साथ सरकारी टैक्स चोरी करते हुए अपनी दुकान चलाए, और इन दुकान चलाने वालों को ये अकल नहीं है, ये इनको गॉड फादर समझ करके संपूर्ण विश्व के आंगन में इसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जबकि वो झूठ और फरेब के बल पर टिका हुआ है। इसने एक वीडियो और बनाया है जिसमें वो खुद कह रहा है कि डॉक्टर इंजीनियर बनना नहीं चाहिए, इस्लाम का प्रचारक बनना चाहिए। तो हमारे एक मित्र जो मुसलमान डॉक्टर है, डॉक्टर तनवीर आलम, उन्होंने मुझे कहा कि पंडित जी, इसका मतलब अगर डॉक्टरी ना पढ़े मुस्लिम समाज के लोग, इंजीनियरिंग ना पढ़े या कोई और इस तरीके का टेक्नीशियन ना बने, तो वो क्या करेंगे? मुसलमानों का इलाज कौन करेगा? मुसलमानों के लिए भी तो सोचना चाहिए। लेकिन उसने देखा, उसकी तो चली नहीं, वो तो MBBS मुन्ना भाई, मैं इसलिए बोला, बहुत बार बोला कि उसकी दवाखाना चली नहीं, उसकी डिस्पेंसरी चली नहीं, उसकी प्रैक्टिस नहीं चली, इसलिए उसने आड़ लिया, को आड़ बना करके उसने एक शगुफा छोड़ा हिंदुओं को वरगलाने के लिए, जबकि इस्लाम एंड हिंदुइज्म करके जो वो फोल्डर दिया, मैं उसको घेरा था उसमें, तब 2003 में ही उसको घेरा था, 2004 में उसने हमें खुशामद करने के लिए निमंत्रण दिया था। खैर, तो मैं ये निवेदन कर रहा हूँ कि किस तरीके से ये वेद के खिलाफ प्रचार कर रहा है और वेद के बारे में दुनिया वालों को गलतफहमी का शिकार बना रहे हैं। लेकिन हमारे पास वेदों के विद्वान कम नहीं है, वेदों के विद्वानों की भरमार है, लेकिन इस पर पहल करने वाले, इस पर बोलने वाले कोई सामने नहीं आया। वो यही समझ करके इनको इग्नोर किया है, अनदेखा किया है कि पागल क्या नहीं बोलता है और बकरी क्या नहीं खाती है, पागल समझ करके छोड़ दिया है। लेकिन पागल को तो जवाब देना पड़ेगा ना, उसकी पागलपन को ठीक करने की कैसे करेंगे आप? उसको अगर चिकित्सा नहीं करेंगे, भले ही वो MBBS डॉक्टर है, पर दिमागी इलाज का वो विशेषज्ञ नहीं है, तो दिमागी इलाज का चिकित्सक जो है, दिमागी इलाज के जो चिकित्सक हैं, अगर वो हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे तो उसकी तो मर्ज बढ़ेगी। तो कम से कम उसको जवाब देने के लिए, उसके मर्ज को कमाने के लिए या घटाने के लिए, उसे ठीक करने के लिए तो हमें डोज देना पड़ेगा। इसलिए बंधुओं, मैंने ये उचित समझा, और जैसा मैं आप लोगों को बोला था, आज भी सुबह मैं अपने पेज में लिख करके दिया हूँ कि ये किस तरीके से ये वेद मंत्रों को तोड़ मड़ोड़ कर कैसा प्रचार किया है। ये तम अग्नि आदित्यर्वे दशा दाशु से तम होत्रा भारती वर्ध से गिरा, यहाँ तमीड़ा शब्द आया है, वो तमीड़ा को तम अल्लाह शब्द मान लिया है। यहाँ अल्लाह होने का कोई संभावना नहीं है, अल्लाह शब्द आने की कोई संभावना नहीं है। और अल्लाह आए भी क्यों? वेद में अल्लाह शब्द क्यों आएगा? अल्लाह शब्द क्यों नहीं आएगा वेद में, वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जिस अल्लाह को ये पता नहीं, कुरान में अल्लाह ने खुद अपनी कसम खाई है, अगर आप लोगों को विश्वास न हो तो सूरा 78 सूरा नबा आयत नंबर 33 को देखिए, सूरा नंबर 16 सूरा नहल आयत नंबर 63 को देखिए, 56 को देखिए, 57 को देखिए।
जो अल्लाह अपने लिए क्या कह रहे हैं उनको देखिए, उनको देख करके ही आपको पता लगेगा कि ऐसे अल्लाह के साथ ईश्वर का मेल क्यों और कैसा संभव है। परमात्मा का मेल अल्लाह के साथ होना संभव इसलिए नहीं है कि परमात्मा किसी भी फूंक मार करके महिलाओं से संतान नहीं बनाया है कहीं पर भी, लेकिन इस काम को अल्लाह करते हैं, यहोवा करते हैं, इसीलिए अल्लाह का परमात्मा होना संभव नहीं है। तो ये वीडियो अगर अच्छी लगे आप लोग शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें और आइकन बेल ज़रूर ज़रूर दबाना, जिससे कि हमारा ये रابطہ कायम रहे।